हर साल जितिया व्रत आसिन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं जितिया व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी। इस व्रत के पुण्य प्राप्त से संतान तेजस्वी और मेधावी होता है। इसके साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। जितिया व्रत कब है? पंचांग के अनुसार आसिन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः 6:34 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 10:21 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसीलिए 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाया जाएगा। जितिया व्रत कितने बजे तक है? जितिया व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को 10:21 पर समाप्त होगी। जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 10:32 के बाद किया जा सकेगा। जितिया व्रत पूजा कब है? जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली व लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 10:21 पर समाप्त होगी। जितिया में किस भगवान की पूजा की जाती है? जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा व्रत करने से महिलाएं के बच्चों की लंबी उम्र होती है, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान होती है। जितिया में कैसे पूजा करते हैं? आसिन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं चिमूत वाहन की पूजन करती हैं। चिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इनकी विधिवत पूजन करने के बाद जितिया व्रत कथा का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। जितिया व्रत पारण। जितिया व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद नौमी तिथि में किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 10:21 पर समाप्त होगी। जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 10:32 के बाद ही किया जाएगा। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसीलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें।